अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम किस क्लास में हैं? फोनेमिक राइम की क्लास में मौजूद हैं। और आज फोनेमिक राइम में भाई मुझे बहुत ही, मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है मेरे पास। समझ गए आप लोग? चलें गेस कीजिए क्या हो सकता है भाई। क्या कलरिंग की एक्टिविटी? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कलरिंग तो हम कराते ही नहीं है, इससे तो और कुछ मज़ेदार एक्साइटिंग सा बताऊँ आपको। अरे भाई, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर भी है जिस पे हम बात करेंगे, उसके बाद मज़ेदार सी स्टोरी भी है ना, मज़े की बात। तो चलें फिर आज देखें हमने क्या काम करना है। देखते हैं कि पिक्चर में क्या है भाई, पिक्चर क्या बता रही है हमें। तो देखें ज़रा कि यहाँ पे ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर मौजूद है। और आपको पता है सबसे पहले डेट मौजूद होती है पेज पे। तो भाई सबसे पहले तो आप डेट मेंशन कीजिए या अपनी मम्मा से करवाइए। फिर आइकन्स देखने होते हैं। तो यहाँ पे इस पेज पे हमारे पास कितने आइकन्स हैं? क्या कहा आपने? बिल्कुल ठीक है, हियर वी हैव 3 आइकन्स ऑन दिस पेज। कौन कौन से? लिसन लिसन लिसन, गुड। स्पीक स्पीक स्पीक, वेरी गुड। एंड द थर्ड आइकन इज कलर कलर कलर, वेरी गुड। अच्छा जी, अब जरा हम कुछ बात करें इस पिक्चर पे। लिसन स्पीक, ठीक है ना, सुनेंगे भी और बोलेंगे भी। आप भी बोलते जाइएगा वहां से कि आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। क्या है इस पिक्चर में? ये कौन है? कौन? अहमद, यस वेरी गुड। ये तो अहमद है, यस दिस इज अहमद, गुड। अच्छा, ये अहमद के साथ ऊपर कौन है? बटरफ्लाई, वेरी गुड, बटरफ्लाई, गुड। अच्छा, ये अहमद किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं, ये कौन सा इंसेक्ट है, ये क्या चीज़ है? फ्लाई है, ये एक फ्लाई है, यस। अरे अहमद के पास हाथ में कोई चीज़ है जो वो हाथ में लिए हुए हैं, क्या है ये? गुड, दिस इज अ कैप, यस दिस इज अ कैप, वेरी गुड, दिस इज अ कैप, गुड। और क्या है? अरे अहमद के पास यहाँ पे इस पिक्चर में फ्लोर पे क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? कुछ अहमद के टॉयज भी हैं, और ये कुछ मुझे लग रहा है कुछ पेपर टाइप की कोई चीज़ है, यस दिस इज अ मैप, दिस इज अ मैप, गुड, दिस इज अ मैप, वेरी गुड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि पिक्चर में है क्या भाई, कहानी है क्या, हो क्या रहा है? मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अहमद कुछ परेशान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पिक्चर देख के कि अहमद शायद कुछ परेशान हैं, और यहाँ बटरफ्लाई भी उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। और मुझे कुछ कुछ तस्वीर देख के, पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि शायद अहमद इस फ्लाई की वजह से परेशान है। ऐसा है, अहमद के हाथ में क्या है? कैप, यस कैप, वेरी गुड, कैप, गुड। और यहाँ अहमद के पास फ्लोर पे क्या है? मैप, वेरी गुड, मैप, वेरी गुड, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज मैप, अहमद के हाथ में जो है वो मैप है? नो, जो फ्लोर पर है, वेरी गुड। एंड वेयर इज कैप? हियर इट इज, अहमद के हाथ में, गुड, कैप। अच्छा जी, चलिए अब आपको ये तो पता करने का दिल चाह रहा होगा कि इस कहानी में या इस यहाँ हो क्या रहा था। चलिए फिर मैं आपको इसकी एक मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ कि कहानी में था क्या, अहमद क्यों परेशान थे, क्या हो रहा था। सुनना चाहते हैं? चलें फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई कि हो क्या रहा था। अहमद वॉज टेकिंग अ नैप, अहमद सो रहे थे। अ फ्लाई केम एंड सेट ऑन हिज नोज, एक फ्लाई आई, अंदर दाखिल हुई और अहमद की नोज पे बैठ गई। इट वोक अहमद अप, अहमद जाग गए एकदम। फ्लाई सेट ऑन अहमद्स लैप, वो अहमद की लैप पे यानी गोद में आके बैठ गई। फिर ही ट्राइड टू जैप इट, अहमद ने क्या किया, उसे जैप करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। ही कुडंट, लेकिन वो नहीं कर पाए। फ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ मैप,
वो भाई फ्लाई तो बहुत तेज थी, वो उड़ी और जाके मैप पे बैठ गई। अहमद ट्राइड टू जैप, अहमद ने फिर मारने की कोशिश की, ही कुडंट, फिर नहीं हो सका, नहीं मार सका। ही ट्राइड टू कैच इट, फिर अहमद ने सोचा कि पकड़ लेते हैं किस तरह, विद हिज कैप, अहमद ने अपनी कैप से उसे पकड़ने की कोशिश की, ही कुडंट, वो नहीं पकड़ पाए भाई। फ्लाई सेट ऑन अ जार, फ्लाई बहुत तेज थी, फ्लाई ने क्या किया, जाके जार पे बैठ गई। अहमद वेंट टू कैच इट, अहमद गए उसे पकड़ने के लिए। वंस अगेन इट फ्लू अवे, फिर क्या हुआ, फिर से वो उड़ गई भाई। देयर वॉज अ टैप ऑन द डोर, दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आई, नॉक हुआ, किसी ने टैप किया, खटखटाया। ओ अहमद ओपन द डोर, अहमद ने डोर को ओपन किया, बटरफ्लाई केम इन, बटरफ्लाई अंदर आ गई, और एंड द राइट देन द फ्लाई वेंट आउट, जैसे ही बटरफ्लाई अंदर आई, फ्लाई रूम से बाहर चली गई। ये तो भाई बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि फ्लाई ने अहमद को बहुत तंग किया था, ऐसे ही था। अहमद क्या कर रहे थे जब फ्लाई आई थी, उनकी नोज पे बैठी थी, अहमद सो रहे थे और अहमद एकदम से जाग गए थे, ठीक है। फिर अहमद ने कितनी कोशिश की उसे मारने की, जैप करने की, लेकिन वो कामयाब ही नहीं हो रहे थे। फ्लाई कभी जाके मैप पे बैठ जाती, ऐसे ही था, कभी उसके लैप पे बैठ जाती अहमद के। अहमद ने फिर एक दफ़ा कोशिश की कि अपनी कैप से पकड़ ले, वो भी नहीं हुआ। फिर आखिर में हुआ क्या कि दरवाजे पे टैप हुआ, नॉक हुआ, जब डोर ओपन किया अहमद ने, बटरफ्लाई अंदर आई और फ्लाई बाहर चली गई। ऐसे ही हुआ था ना, कहानी अच्छी थी। अरे यहाँ पे तो एक राइम भी मौजूद है भाई, मज़े की, तो चले राइम देखें, राइम में क्या है, चले हम पढ़ते हैं राइम में क्या कह रहे हैं भाई। अ फ्लाई ऑन द मैप, अ फ्लाई ऑन द मैप, नाउ इट्स ऑन योर लैप, नाउ इट्स ऑन योर लैप, किल इट विद अ जैप, किल इट विद अ जैप, और कैच इट विद योर कैप, और कैच इट विद योर कैप, बट इफ यू कांट डू इट, बट इफ यू कांट डू इट, देन बेटर बेटर टेक अ नैप, देन बेटर टेक अ नैप। अरे वाह, ये तो बहुत ही मज़ेदार सी राइम है भाई। चले स्टोरी कैसी लगी, मज़ेदार सी, बस थोड़ा सा ये था कि हाँ जी फ्लाइट ने तंग किया अहमद को, लेकिन मज़ा आया कहानी में, आखिर में तो फ्लाइट चली गई, ठीक है ना। और फिर कितना मज़ा आया, बटरफ्लाई अंदर आ गई और अहमद फ्लाई को मार तो नहीं सके, ठीक है ना, उन्होंने जैप करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मार पाए और फ्लाई बाहर चली गई रूम से। मज़ेदार सी स्टोरी थी। अच्छा, मैं अगर आपसे कुछ सवाल करूँ आखिर में कि कौन आया था अहमद के रूम में, फ्लाई, वेरी गुड। अच्छा अहमद ने किस चीज़ से फ्लाई को पकड़ने की कोशिश की थी, विद हिज कैप, गुड। और अहमद ने क्या कोशिश की थी, मारने की कोशिश की थी, यस अहमद वॉन्ट्स टू जैप द फ्लाई बट ही कुडंट, लेकिन वो नहीं मार पाए थे, ऐसे ही था ना। चले फिर आपने पता है अब क्या काम करना है, आपने ये करना है कि ये स्टोरी अपने घर में अपने बहन भाइयों को या अपनी मम्मा को ज़रूर सुनाइएगा, बहुत मज़ेदार सी स्टोरी है। उसके बाद आप अपनी टीचर को एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिएगा इस राइम की जो हमने पढ़ी है, वो राइम पढ़ के भी सुनाइएगा और कहानी के बारे में भी बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।